से कमाए हुए सोने में भी कलयुग का निवास होता है। याद रखिएगा, अनीति से और किसी की छीनी और लूटी हुई चीजें हमें साधन दे सकती हैं, लेकिन शांति नहीं दे सकती हैं। अनीति से कमाया हुआ सोना कभी कभी किसी का सोना हराम कर देता है। इसलिए आपने देखा होगा, कई लोगों के गले में चैन होती है लेकिन दिल बेचैन होता है। ऐसा लगता है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। कारण क्या है वो तो मैं भी नहीं जानता। घर बड़ा है, गाड़ी बड़ी है, घर में बहुत सारे साधन है, जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा साधन है, सब कुछ सेट है, बहुत बड़ा सोफा सेट है, लेकिन घर में रहने वाला खुद अपसेट है। वरदान दिया, रहने के स्थान बताए। एक बार शिकार खेलने के लिए गया जरासंध के मुकुट को लगाकर, एक ऋषि का अपमान हो गया है। कभी कभी हमारे मन में भी यह वृत्ति आता है, काहे के महाराज है, हमसे अच्छी साल ओढ़ते हैं, हमसे ज्यादा सुविधाओं में रहते हैं, यह तो खाली दंभ करके आंखें बंद करके बैठा है और संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। एक ऋषि कुमार को जब समाचार मिला, उसके पास सत्ता का बल है लेकिन हमारे पास साधना का बल है। वो राजकुमार है तो वो क्या, हम भी ऋषि कुमार हैं, और हाथ में जल लेकर वाक्य वज्र का संहार किया है। इति लंगित मर्यादा तक्ष का शब्द में हनी दक्षयंस्ति सकुलंगारम। और जैसे ही श्राप दिया है, मुक्त कंठ रोदन करने लगा, मुनि की समाधि खुली। बेटा, संत को तो अहिंसा और शांति ही उसका धर्म होता है, तूने महाराज के लिए कोई श्राप तो नहीं दिया? पता चला है कि मैंने श्राप दिया है। परीक्षित ने भी जाकर वहां मुकुट को उतारा तो उसको एहसास हुआ, जीवन में गलती हो ये गलती नहीं, लेकिन गलती को गलती नहीं माने, ये बहुत बड़ी गलती है। कभी गलती रुलाती है, वो पथ दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, अक्षर हो जाती है, लेकिन जो गलती करके सबल जाए उसे इंसान कहते हैं। याद रखिएगा, गलती एक बार होती है, अगर बार बार होने लगती है तो वो गलती नहीं है, वो तुम्हारी दबी हुई वासना है, वो तुम्हारे अंतःकरण में दबी हुई कोई तुम्हारी इच्छा है। एक ही गलती को जब हम बार बार करते हैं तो समझ लेना वो गलती अपराध बन जाती है। अपराध को क्षमा नहीं किया जाता है, अक्षम्य होता है। और फिर अधैव राजम बलवृद्ध कोशम, धिक्कार है मेरी इस गादी को, मुझे इसका दंड मिलना चाहिए। दिया गया था श्राप लेकिन बन गया आशीर्वाद, क्योंकि पश्चाताप की अग्नि में पाप जलकर भस्म हो जाता है। हमसे अगर कोई गलती हो जाती और हम प्रायश्चित कर लेते हैं, बटक ब्रह्मचारियों ने जाकर संदेश दिया है, आप केवल 7 दिन के मेहमान हैं, केवल 7 ही दिन होते हैं, 8वां कोई बार नहीं होता है। और बस सोचने लगे हैं कि 7 दिन के बाद लोग मुझको पकड़ कर ले जाएंगे, बांध के निकालेंगे, उससे अच्छा है कि मैं अपने से निकल जाऊं। अपने मन को समझाने लगे, मेरे भाई बहन, जीवन में विवशी नहीं होनी चाहिए, जीवन में वैराग्य होना चाहिए। जब भी किसी को घटना अंतःकरण की अनुभूति हुई है तो बेबसी से नहीं, वैराग्य से हुई है।
जीवन मजबूरी नहीं, जीवन मौज होना चाहिए। और फिर रे मन चल गंगा यमुना तीर, बहुत इस संसार में रहे, याद रखना मेरे भाई बहन, जब अंत समय आए तो फिर देहा वसाने इदमे वसारम गोविंद दामोदर महादेवेती। सुख होता है हरि वचन करिएगा, दुख आता है तो परमात्मा की प्रार्थना करिएगा, लेकिन जब लगे कि अब शरीर का प्रारब्ध पूरा हो रहा है, इदमेव जाप्यम इदमेव गेहम इदमेव सारम गोविंद दामो धर्माधवेति। संतों को पता चला है, बहुत सारे संत आए हैं, धार्मिक राजा है उसको मिलने के लिए, स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संतः, वहां संवेत होकर बड़ा सत्संग हुआ है। और मरने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए, परीक्षित जी महाराज का प्रश्न है। तत्र भगवत भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षयागमटपानो नवेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्यबाले रवदूत वेश तम दष्ट वर्षा सुकुमार पादा करोर वाहम सकलोपगात्रम चरवा यथा चो नस तुल्ल कर्ण विभ्राननम कंबु सुजात कंठम। 38 विशेषता है भगवान सुखदेव के। श्री हरि ने परीक्षित से जैसे अश्वस्थामा के ब्रह्मस्त्र से रक्षा की, आज ब्राह्मण के श्राप से रक्षा करने के लिए स्वयं श्री हरि सुखदेव बनकर पधारे हैं। और वहां से जब निकल रहे थे, कोई ज्ञान वृद्ध होता है, कोई तपो वृद्ध होता है, कोई वयो वृद्ध होता है। ब्राह्मणों में तो वही श्रेष्ठ होता है जो ज्ञान वृद्ध होता है, तप बल में जो प्रवीण होता है। सभी ने उठ के प्रणाम किया है। सुखदेव जी महाराज को देखकर, महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व होता है, इसलिए सिक्के से ज्यादा महत्व वस्तु का होना चाहिए, वस्तु से ज्यादा महत्व व्यक्ति का होना चाहिए, व्यक्ति से ज्यादा महत्व विवेक का होना चाहिए, उस विवेक से ज्यादा महत्व भी उसके व्यक्तित्व का होना चाहिए, क्योंकि व्यक्तित्व जो होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं होता है, किसी किसी का व्यक्तित्व होता है। भगवान करे आप सत्य के पथ पर चलोगे तो आपका व्यक्तित्व एक बहुत असरदार बनेगा। किसी को कहना नहीं पड़ा, वहां उनके पिताजी, उनके पिताजी के पिताजी यानी उनके दादाजी पारासर वहां उपस्थित थे, और जैसे ही भगवान सुखदेव को आते हुए देखा है, सबने कृतांजलि होकर हाथ जोड़कर सभी ने उस अवधूत महापुरुष को प्रणाम किया है। क्या अलकावली है और क्या छवि है उनकी। परीक्षित ने प्रणाम करके पूजन किया है। अत प्रक्षामि संसिद्धि योगिनां परम गुरु पुरुषस्येह यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज मैं जानना चाहता हूं मरने वाले मानव को क्या करना चाहिए। बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। और तब भगवान सुखदेव ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से वर्याने सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपः आतवित सम्मतम पुंस श्रोतव्यादिशुया परः। आपने ये जो प्रश्न पूछा है कि मरने वाले मानव को क्या करना चाहिए, लोक हित में पूछा है राजन। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित होगी। लोगों का दिन जो होता है वो सांसारिक कर्मों में व्यतीत हो जाता है, रात्रि में हम निद्रा के अधीन हो जाते हैं, और ऐसे हमारे जीवन का आयुष्य पूरा हो जाता है। अंजलि में पानी भरते हैं, रिश्ते रिश्ते
पूरी अंजलि खाली होती है, पता नहीं चलता है। एक दिन जाता है, फिर सप्ताह जाता है, पक्ष चला जाता है, मास चला जाता है, ऋतु बदल जाती है, साल बदल जाता है, कुछ चीजें धीरे धीरे परिवर्तित होती हैं। याद रखना, वो उनका बड़ा हम समझ भी नहीं पाते हैं कि जीवन का 70 साल, कभी कभी लगता है कि जब जीने का सलीका आया तो अब जीने का समय खत्म हो गया है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। लोगों के साथ ऐसा ही होता है, सबको ऐसा लगता है समय बहुत कम है। समय तो ये काल पुरुष है, उसका कोई अभाव नहीं है, लेकिन शरीर की एक सीमा है। शरीर बहुत कम समय के लिए मिला है, इसलिए यावत स्वस्थ कलेवर मिदम यावत च दूरे जरा। जब तक शरीर स्वस्थ है और बुढ़ापा दूर है, हमें चाहिए कि हम कुछ ऐसा साधन करें कि हमारा चित्त कामनाओं के रहित होकर, वासना रहित होकर, हम अपने उस परम स्वरूप में, हम अपने द्वारकाधीश में, हम अपने बाल कृष्ण में, हम अपने आराध्य में, हम अपने इष्ट देव में स्थिर होकर हम अभिन्न हो जाएं। महाराज, मुझे आपसे कथा सुननी है। मुझे खटवांग नाम के राजा के चरित्र को सुनाया, और फिर वर्णिष्ठो पि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया। ये भगवान के चरित्रों ने, मेरी निष्ठा तो निर्गुण में थी, लेकिन भगवान के चरित्रों ने मुझे बलात् खींच लिया है। राजन, जिसको मुक्ति चाहिए ना, जितासनो जितास्वासो जित संगो जितेंद्रिया। आसन को जीतना चाहिए, श्वासों को प्राणायाम करके, रेचक कुंभक पूरक करके प्राणों को सम करना चाहिए, और फिर आसक्ति रहित होकर मन से उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। पाताल में तस्हि पाद मूलम पठन्ति पाष्णे प्रपदे रसातलम महातलम विश्वस्रजोत गुल्फो तलातलम वे पुरुषस्य जंघे द्वे जानुनि सुतलम विश्वमूर्ते। भगवान के विराट का ध्यान कराया है। भैया, इस पूरे जगत को विष्णु के विलग मत देखना, नहीं तो मन में विकार आएगा। परमात्मा हमारे अंदर नहीं, हम ही ब्रह्मांड में है। ये जितनी भी वृक्षावली है ना, ये विराट भगवान की रोमावली है। ये जितना भी नदियां हैं, ये सब विराट भगवान की नाड़ियां हैं। जितने भी लोग हैं, ये पूरा जो अस्तित्व दिखाई पड़ रहा है ना, ये ब्रह्म का ही एक कलेबर है। हम उस ब्रह्मांड के अंदर हैं। सद्य मुक्ति और कर्म मुक्ति की बातें की हैं, और फिर महापुरुष आसक्ति का जब त्याग कर देता है, चीराणि किं पतिन सन्ति सन्ति विरक्त को चाहिए किसी के बहुत आश्रित ना रहे। वह ब्रह्मलोक तक की बातों को बताया, और फिर जिन्होंने कभी भी अपने कानों से कथा को नहीं सुना है, उसके जो कान है वो तो सर्प के बिल के समान है। जिन्होंने अपनी जिभ्या से कभी गोविंद के गीत नहीं गाए हैं, उनके जो जिभ्या है वो तो दादूर के समान है। बिले बतोरु क्रम विक्रमाण्ये नास्त्रं बता कर्ण पुटे नरस्य जिव्या सति दादुर्गे वशूत न चूप गाया उरुगाय गाथा बरियायिते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णोर निरीक्षितो ये
बड़ा सुंदर, ये जो जो एक एक इंद्रियां हमको मिली हैं, कानों की शोभा कुंडलों से नहीं हरि कथा से है। कल एक बहन मुझे बोल रही थी, महाराज पता नहीं क्या हुआ है, जब से हमने कथा सुनना प्रारंभ किया हमारा पूरा जीवन बदल गया है। हम बता नहीं सकते हैं कि कितना हमारे चित्त में आनंद की अनुभूति होती है। और बस अब और कुछ नहीं चाहिए, अब केवल भगवान से एक ही प्रार्थना है कि हमें भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाए। आप जानते होंगे उनकी बात सुनने के बाद मुझे कितना अच्छा लगा होगा। जब बहुत कुछ करने को और जानने को बचता नहीं है, तब कोई भी त्रिगुणातीत व्यक्ति होता है वो यही कहता है, पदाब्जि भक्ति देहि में, नमामि भक्तवत्सलम की स्तुति गाने वाला अत्रि मुनि भी कहता है, और कोई हेतु नहीं है, केवल और केवल अब ठाकुर के चरणों में अनुराग हो जाए।